आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केरल में काली मिर्च की नई फसल शुरू होने के बाद अब कर्नाटक में भी मरकरा काली मिर्च की नई फसल की छुटपुट आवक शुरू होने की रिपोर्ट मिली है। हालांकि अभी नई मरकरा की कीमत तुलनात्मक रूप से ऊंची बताई जा रही है। आगामी दिनों में हाजिर में काली मिर्च का बाजार दबा ही रह सकता है। दक्षिणी भारत में अब मौसम काफी हद तक साफ बना हुआ है। केरल में काली मिर्च की नई फसल शुरू हुए करीब 1.5-2 महीना बीत चुका है। अब कर्नाटक में भी मरकरा काली मिर्च की नई फसल की भी छुटपुट मात्रा में आवक शुरू होने की जानकारी मिली है। पता चलता है कि कर्नाटक की मंडियों में मरकरा काली मिर्च की छुटपुट आवक हो रही है और इसकी कीमत फिलहाल 480 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है। बहरहाल केरल और कर्नाटक में काली मिर्च समेत जीन्सों का थोक व्यापार चालू है, लेकिन महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने की वजह से कामकाजी गतिविधियां सामान्य से सुस्त बनी हुई है। केरल के देहाती क्षेत्र में काली मिर्च की नई फसल पिछले करीब 1.5-2 महीने से आ रही है, लेकिन कोची जैसी राज्य की बड़ी मंडियों में इसकी आवक नहीं है, क्योंकि वहाँ से सीधा ही खपतकर्ता मंडियों को सौदा होने की रिपोर्ट आ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि दिशावरी खरीदार सीधे ही किसान से काली मिर्च की खरीद कर रहे हैं। यहाँ स्थित थोक किराना बाजार में काली मिर्च मरकरा हाल ही में 5 रुपये सुधर कर फिलहाल 525 से 530 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। हाल ही में ही इसमें 10 रुपये की मंदी आई थी। इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय तक कर्नाटक की मंडियों में मरकरा काली मिर्च की कीमत 470 से 480 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी होने की सूचना मिली। अंतिम सूचना के समय केरल की कोची मंडी में काली मिर्च 10 से 15 रुपये और मंदी होकर फिलहाल 480 से 495 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी होने की जानकारी मिली है। बीते कुछ सालों से केरल में काली मिर्च समेत विभिन्न प्रमुख जीन्सों के सीधे सौदे का चलन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि राज्य की विभिन्न मंडियों में कामकाजी गतिविधियां सुस्त बनी हैं। पूर्वानुमानों के विपरीत इस बार केरल में काली मिर्च का उत्पादन लुढ़कने की आशंका जताई जा रही है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से इस प्रमुख किराना जीन्स की घरेलू कीमत आकर्षक नहीं मिलने के कारण किसानों ने अन्य फसलों को प्राथमिकता देनी आरम्भ कर दी है। श्रीलंका से आधिकारिक मार्गों से आयात हो रहा है। वियतनाम में इस बार काली मिर्च का उत्पादन के अनुमान जताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हाजिर में काली मिर्च दबाव में ही बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।